जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा, देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लैक्मे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है। तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो यहाँ पर। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो निभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है किसके कारण, ससंजक।